समाज सुधार यात्रा में सासाराम पहुंच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां शाहबाद क्षेत्र के चार जिलों के जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। जहां सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पीना है शराब तो मत आइए बिहार। जी हां, उन्होंने सख्त लहजे में भाषण के दौरान कहा कि कुछ भी हो लेकिन जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्त रूप से पालन कराया जाएगा। जहां पुलिस भी जीविका दीदियों की मदद करेगी, वहीं उस दौरान उन्होंने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई दहेज लेकर शादी कर रहा है तो उसके शादी में मत जाइए, तभी जाकर लोगों में सुधार होगा। बिहार की आवाज न्यूज के लिए रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे की रिपोर्ट। हम तो सोच रहे थे कि भाई शहरी इलाके में तो अभी जागृति नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक तारीख से लोग शुरू करा दिए, तो उसके बाद करते करते दो दिन तीन दिन चार दिन में भी किसी को नहीं कहीं भी बोलने दिया। तब उसके बाद पांच तारीख को हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि शहरी इलाके में भी पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और सोच ली, एक तारीख से सब जगह शुरू किया था और पांच तारीख से शहरी इलाकों में भी हम लोगों ने शुरू कर दिया और इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने साथ दिया। उसके बाद अभियान भी चलाया गया और सब लोगों में इतनी जागृति थी, कैसी कैसी बातें कही। जब आज बोल रहे थे आप लोग कितना अच्छा लग रहा था, इसी तरह से जब हम लोग घूम रहे थे 16 में, तो उसी समय एक जीविका समूह की महिला ने कहा कि देखिए हमारे पति शराब पीते थे और पी करके आते थे शाम में, झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे, और जब शराब बंदी लागू हुआ तो अब शराब नहीं पी सकते हैं। जब शाम में घर लौट करके आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके लेके आते हैं और अब उसे लाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है, जिसके घर में लोग शराब पीते थे और इस तरह की बातें चली, बात जो माहौल बन गया। अब इसके बाद बीच में तो कहे जितना भी कोई अच्छा से अच्छा काम आप करिए, कोई मर्द रहेंगे पुरुष रहेंगे तो कोई पैदा होगा ही, जब तक महिला नहीं होगी तब तक कोई पैदा होगा कर लेंगे। तो कितनी बड़ी भूमिका है, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना, इसलिए इस बात के लिए जो अभियान है वो जागृति को निश्चित रूप से बरकरार रखने के लिए और बाल विवाह को सब दिन के लिए समाप्त कर देना है। और दहेज प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, कानून तो है ही, बाल विवाह को लेकर के भी कानून, लेकिन सब चीजों के बारे में लोगों के बीच में कि कोई गड़बड़ करे उसको रोकना चाहिए। और हम लोग इस अभियान की शुरुआत जो किए हैं फ्रेंड्स, इसको लगातार कर रहे हैं, तब आप लोगों के बीच में यही करेंगे कि जैसे सब बोल रहे थे कि आप लोगों ने समझाया, अब जीविका समूह कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो किस तरह से हमने बनाया, नाम किसने दिया, स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में कम थी जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरा नाम ललिता देवी है, मैं बक्सर जिले में रहने वाली हूँ, मैं बरामपुर तरफ से आई हूँ। मैं समाज सुधार अभियान पर जो काम किया है, अपनी बाल विवाह जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और दहेज शराब मुक्ति पर जो हमने काम किया है, इसके बारे में आज हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी गांव की हमारी समूह की दीदी के साथ घटना हुआ है, इसके बारे में हम आज बताना चाहते हैं। जैसे में हमारी समूह की हमारी गांव की दीदी सब मंच भैया मंच को गांव भैया को प्रणाम करते, कुछ हम दीदी को प्रणाम करतनी, हमर मीना को अपना जगना ट्रेन पखन से आई बनी, हमर पहले पति रहा दारू के पानी के रोजगार करत रहा, अब दारू पिया तक के तो मृत्यु हो गई ना, हमारे पैसा ना गौड़ी रहे, हम दवाई से ना कर पैनी, अब तली मर तो बहुत हमारा दुख होके लगल बच्चा के छोट छोट रहा, तली हम अपन रहूँ तन मनी बेचे लगनी, बेचला के बाद में तली जीविका के दीदी अली घर है हमारा, तो कहते कि ये दीदी तू जीविका में जुड़ा बिल्कुल काम छोड़ा, तो हम कह दीदी तब ठीक क्या हो गए, हम काम छोड़ देनी जीविका में जुड़ गई, मंत्री नीतीश भैया को हमारे प्रणाम बरवे, सब भैया और दीदी लोग के भी प्रणाम बरवे। हमारा नाम मीरा देवी हमे, हम भजपुर जिला गढ़हानी ब्लॉक से आई बनी, हम अपना अपना बारे में कुछ हम अनुभव करल चाहत, हमारे 16 साल के
परे पर से जब काज पर परल तो कुछ दिन के बाद हमारे पति डेट पर मिलल डेट पर मिलल आ तीन गो लड़का रहन जा दू गो लड़की एगो लड़का ओकरा बाद हम बहुत निसहाय हो गेली रोड पर आ गेली ओकरा बाद हमार चौका बर्तन के भी काम दूसरा घर में करे लगली करे लगली तो एक में फिर हमार जीविका दीदी हमरा कहली जा कि दीदी रावा जीविका में जुटी हम कहनी कि दीदी अब खुद के तो भोजन चलत नहीं के दुकान की कुल परिसंपत्ति 58,628 रुपए हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया को हमारा प्रणाम बा मंच पर जितना उपस्थित भैया दीदी बहन सब के प्रणाम करत ही जीविका के दीदी और भैया के प्रणाम करत ही हम नहट्टा प्रखंड रोहतास जिला दारानगर से आई ही हम पिछड़ा वर्ग से ही हमारा नाम सरोजनी देवी बा और हमनी पति पत्नी दोनों विकलांग थी जा जब हमारे घर शादी भइल तब घर ससुराल में शराब बनत रहे जब ससुर डेट कर गेलन सास डेट कर गेलन तो हमार गोतिया पटीदार हमनी के अलग कर देलन जा जिससे हमनी के खर्चा के बहुत सोचे ला पड़त रहे उस कारण हमनी विकलांग दोनों पति पत्नी केकरो खेत में काम भी ना कर सकत रही जा मजदूरी भी ना कर सकत रही जा इ कारण हमनी यो व्यवसाय चुननी शराब के ही शराब बिक्री करत रही जा खरीद के जीविका के दीदी द्वारा जब हमनी जुड़नी जा तो दीदी बोलन कि शराब बेचल बंद कर